स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डायल पैड ट्यून्स को हम कैसे ऑन कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ये आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेट, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको मर साउंड हेल्पिंग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है डायल पैड ट्यून्स, तो हम यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। राइट साइड से ऑन करते ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से ये काम करता है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, डायल पैड पर जाना है। डायल पैड पर जाते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं जैसे कोई नंबर वगैरह डायल करेंगे तो इस पर साउंड आएगी। ये देखिए डायल करने की साउंड आ रही है, इसको बोलते हैं डायल पैड ट्यून्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।